एक टीनेजर को अपने ग्रैंडफादर के यहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही मिस्टीरियस था और इनकी फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स है इस टीनेजर को स्लोली स्लोली पता चलते हैं। इस मूवी के जो ट्विस्ट है और जो टर्न्स आते हैं, इसी वजह से इस मूवी के बारे में आपको मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि अलग टाइप का हॉरर था। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चांस, एक किसी से बात कर रही है। चांस कहती है, मुझे लगा था कि मैं इस फैमिली का पार्ट बनूंगी, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। अब उसने क्या किया था यह हमें अब पता चलेगा। जिस फैमिली की यहाँ बात हो रही थी, इस फैमिली का नाम है सिंक्लेयर। ये जरा पास्ट की बात है। चांस अपने स्कूल के एक पार्टी में थी, वहां पर एक लड़की ने उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया। वो उसे बहुत मारती है और इसी वजह से उसे हमें नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल के पास दिखाया जाता है। फिर चांस के पेरेंट्स को भी बुलाया गया। चांस की मदर उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती, उसे कहती है तुम्हें सिर्फ 1 डे का सस्पेंशन मिला। ये बहुत ही अजीब बात है। एक्चुअल में प्रिंसिपल ने चांस के ग्रैंडफादर को कॉल किया था। ग्रैंडफादर ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इसी वजह से शायद ये हुआ होगा। आज चांस के पेरेंट्स को फिर से मीटिंग के लिए उसके ग्रैंडफादर के पास जाना पड़ेगा। थोड़े दिनों पहले उसका बर्थडे था जिस पर उसकी एंट आ नहीं पाई। एंट का नाम है अप्रैल। वो उसे एक गिफ्ट भेजती है जो एक चाकू है। ये बहुत ही अजीब था, तो चांस की मदर उसे चाकू ले लेती है। चांस को एक सिस्टर है तो मदर कहकर जाती है कि इसका अच्छा सा ख्याल रखना। रात में हम चांस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता हुआ देख सकते हैं, पर ये अजीब तरीके से हो रहा है। ये वेन्स में से नहीं है तो डायरेक्टली फ्लेश में डाला गया है। अगले दिन चांस की मदर वापस नहीं आई क्योंकि उसका काम और भी बढ़ गया। वो जब स्कूल जाती है तो जिस लड़की को उसने मारा था इसे फिर से उसकी बात होती है। ये लड़की कहती है मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, तुम सिर्फ देखती रहना। चांस ने कहा अगर और भी तुमने कुछ कहा तो फिर से मैं तुम्हें मारूंगी। लड़की सुनी नहीं और चांस उसे फिर से बहुत मारती है। फिर से प्रिंसिपल का कॉल चांस के पेरेंट्स को गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चांस के पेरेंट्स चांस के ग्रैंडफादर के साथ है। ग्रैंडफादर का नाम ऑगस्ट है। इस मूवी में सिंगलर फैमिली के जो भी सब मेंबर्स हैं, इनके नाम मन से स्टार्ट होते हैं। चांस की मदर का नाम है जून। जून अपने फादर अगस्त से कहती है कि आजकल हमारी सबकी कंडीशन बहुत ही खराब है। जून के ब्रदर और सिस्टर्स है, कहती है कि वो भी बहुत ही वीक लोगों पर प्रे कर रहे हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ये वैम्पायर की फैमिली है। हमें प्रीवियस सीन में दिखाया गया था कि चांस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा। इसके बाद अभी अभी जून ने कहा है मेरे ब्रदर और सिस्टर ये वीक पर प्रे कर रहे हैं, यानी कि उन्हें खा रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं। ग्रैंडफादर यानी कि अगस्त जिस तरह से सब मैनेज करते हैं, इससे जून को प्रॉब्लम है। कहती है कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही चाहिए। अगस्त इसके लिए मानने नहीं वाले। जून कहती है कि अब मुझे इस फैमिली से दूर रहना चाहिए। उसकी फैमिली है जिसकी वो केयर करती है। एक्चुअल में जून का हस्बैंड इस सिंगलर फैमिली का मेंबर नहीं है, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर रहना चाहती है। अगस्त कहते हैं कि हमारी फैमिली में ऐसे किसी को भी अबेंडन नहीं करते। जून मानने नहीं वाली तो उसे कहते हैं कि हम 100 हार्वेस्ट करेंगे, इसके बाद तुम फ्री हो जाना। यहाँ पर हार्वेस्ट का मतलब ये है कि वैम्पायर्स की एक सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी के अकॉर्डिंग वो सब पावर्स ड्रॉ करते हैं और पावरफुल बन जाते हैं। इस तरह से 100 ईयर्स तक ये सेरेमनी करेंगे तभी जून फ्री होगी। जून इसके लिए भी नहीं मानते। अगस्त कहते हैं कि तुम सिर्फ एक हार्वेस्ट करना और तुम्हारी बड़ी बेटी को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ देना। इसका मतलब है वो चांस को भी पावर देना चाहते हैं। जून बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी तो इसी वजह से इस डील के लिए मान जाती है। उसे जो फ्रीडम मिलेगा इसीलिए उसे अपनी खुद की बेटी देनी पड़ेगी, पर इसके पास एक प्लान है। वो फिर चांस को स्कूल से निकालती है और डायरेक्टली ग्रैंडपा के पास लेकर आती है। चांस को यह सही नहीं लगता, वो यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है मैं जो भी ट्रबल करती थी इस तरह के ट्रबल फिर से कभी भी नहीं करूंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहने दो। जून कहती है ग्रैंडपा अगस्त बहुत ही स्मार्ट है, तुम उससे कुछ चीजें सीख सकती हो, इसे तुम एज अ पनिशमेंट मत समझो। उन्होंने चांस को स्कूल से भी निकाल लिया है और अब उसे वो होम स्कूल करेंगे। ये सब चांस की मर्जी के खिलाफ हो रहा था तो अगस्त उसे समझाते हैं ये जो भी है ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहो तो कभी भी यहाँ से जा सकते हो, पर तुम फिर फैमिली का कभी भी पार्ट नहीं बनोगे। एक दिन चांस यहाँ से भाग रही थी पर उसे उसके अंकल नवंबर ने रोक लिया। उसके अंकल उसे कहते हैं अगर तुम शायद धूप में चली गई तुम्हारी स्किन बर्न होने लगेगी। चांस को ये पता है पर ज्यादा कुछ वो सन में नहीं रहती थी, उसे इस बात का ज्यादा सीरियसनेस नहीं था।
उसके अंकल उसे कहते हैं कि 1 घंटा भी अगर तुम इस सन में रही तुम्हें इतनी तकलीफ होगी कि लगेगा कि खुदकुशी कर लेनी चाहिए। उसे समझाते हैं इस फैमिली में तुम्हें पावर और स्टेटस सब कुछ मिलेगा। चांस को ये सब नहीं चाहिए था, उसे डिजाइनिंग वगैरह ये सब चीजें सीखनी थी। उसके अंकल फिर उसे एंशियंट हिस्ट्री की बुक दिखाते हैं। इस बुक में बहुत ही अजीब अजीब चीजें थी। चांस स्लोली स्लोली सिंक्लेयर फैमिली के बारे में जानने लग जाती है। वो अपने ग्रैंडपा अगस्त से पूछती है कि हम है कौन। अगस्त कहते हैं कि दुनिया में जो भी गलत है इसे हम सही करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। एक्चुअल में वैम्पायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जी सकते हैं, इसी वजह से सेंटेंस था। हमारे पास कुछ गिफ्ट है जो किसी के पास भी नहीं। अब इसके बाद मूवी में 1 साल बीत चुका है। फिर से हार्वेस्ट का दिन आ चुका है, यानी कि उनकी सेरेमोनी। आज चांस किचन में आई तो वहां के शेफ को देखकर डर गए क्योंकि वो वहां नया था। वो चिल्लाई तो उसके पास उसके मदर फादर आए। उन्हें देखकर वो सरप्राइज थे। आज वो भी हार्वेस्ट के लिए आए हुए हैं। जैसे कि मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि चांस से कोई बात कर रहा है। ये लड़की चांस से कहती है कि आज की रात का 5000 सालों से वेट हो रहा था। इसके बाद मूवी में चांस ने जो शेफ देखा, इस कैरेक्टर की स्टोरी हमें पता चलेगी। इसका नाम सिडनी है। सिडनी को रात में अजीब अजीब से सपने आते हैं। वो एक जगह पर एज ए शेफ काम करता है। उसका बॉस उसे जिसको भी मारने के लिए कहता है उसके फूड में पॉइजन मिलाकर उसे मार डालता है। ऐसे एक आदमी के पास हो गया, वो फूड नहीं खा रहा था तो अपने हाथों से उसने उसे मार डाला। सिडनी को एक आदत होती है, हमेशा एक फूड ट्रक के पास जाकर वहां से वो कॉफी लेकर आता है। 4 सालों से हर दिन वो यही जगह पर आकर कॉफी लेता है। इसके बाद हम देखते हैं सिडनी के बॉस के पास सिंक्लेयर फैमिली के लिए काम करने वाली एक लड़की आई। इसका नाम है मिकी। मिकी सिडनी के बॉस से कहती है मुझे शेफ से कुछ काम है। शेफ को जिसे मारना है उसके बारे में मिकी उसे इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती। ये सिडनी के बॉस को बहुत ही अजीब लगता है तो इसी वजह से इस काम के लिए वो मना कर रहा था। अगले दिन सिडनी फिर से कॉफी लेने के लिए गया। वहां पर 2 लड़कियां काम करती है, एक का नाम है मे और दूसरी का नाम है डकोटा। डकोटा को लगता है कि सिडनी मे को पसंद करता है। वो उसे कहती है कि फाइनली उसे डेट पर तुम पूछ ही लो। ये बात सुनकर सिडनी बहुत ही ऑकवर्ड हो गया। जब वो फिर से अपने रेस्टोरेंट में आया तो वहां पर जून और उसके कुछ साथीदार है। जून सिडनी को अलग अलग पॉइजन दिखाती है और सिडनी उसे पहचान भी लेता है, यानी कि वो अपने क्राफ्ट में बहुत ही माहिर है। वो फिर उसे कहती है कि आज रात तुम्हें मेरे लिए काम करना है। वो अब अपने फादर अगस्त को मारने वाली है। उनके खाने में पॉइजन मिलाने का काम वो सिडनी को देते हैं। सिडनी का बॉस कहता है कि तुम्हें काम नहीं लेना चाहिए। तभी जून सिडनी के बॉस पर ही एक चाकू लगाकर उसे काम करवाने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद सिडनी काम करने के लिए मान गया। जून उसे लेकर अपने फादर अगस्त से मिलने के लिए आई। अगस्त इन्हें देखकर खुश था और वो सिडनी से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है लाइफ में आदमियों को कभी कभी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट होना पड़ता है। मुझे बताओ क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। सिडनी कन्फ्यूज हो गया तो अगस्त हंसने लगता है। वो कहता है कि मैं जोक कर रहा था। जून का जो भी प्लान है इसके बारे में उसे पता है। मिकी रेस्टोरेंट में सिडनी के बॉस पर नजर रख रही थी। सिडनी के बॉस मिकी से पूछता है कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलने वाला है। वो कहती है कि अगर जून सक्सीड हो गए तो मैं भी फैमिली का पार्ट बन जाऊंगी। सिडनी का बॉस कहता है मुझे भी तुम्हारे प्लान में ऐड कर लो। ये बात ही कर रहे थे तभी वहां नवंबर आ गया। उन्होंने नवंबर को मारने की कोशिश की और उसके साथ उसका बैकअप भी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किचन में सब लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर जून, अगस्त, चांस और सिडनी भी था। सिडनी कुक कर रहा था तो चांस उसकी प्लेट से एक स्प्राउट उठाती है। सिडनी डर गया और उसे खाने के लिए मना कर देता है। चांस मान नहीं रही थी तो जून भी उसे बहुत डांटती है। एक्चुअल में यही स्प्राउट पॉइजन है। इसके बाद अगस्त सिडनी को एक रूम में लेकर गए। वहां पर उसे न्यू कपड़े दिए। वो उसे कहते हैं आज तुम हमारी फैमिली की तरह ड्रेसअप करना। किसी का ध्यान नहीं था तो चांस ने स्प्राउट खा ही लिया। सिडनी उसे बचाने के लिए मिल्क देता है। चांस ने बहुत ही थोड़ा खाया था और मिल्क से यह पॉइजन डाइल्यूट हो जाएगा। रात में अगस्त सिडनी के पास आकर उसे मीट देकर जाता है। कहता है यह बहुत ही हाई क्वालिटी मीट है। डिनर कुक होने के बाद जून सिडनी के पास आई। सिडनी कहता है अगस्त को पॉइजन के बारे में पता है। जून को ऐसा नहीं लगता। सिडनी पूछता है तुम उसे मारना क्यों चाहती हो। जून कहती है कि वो कुछ बिलीव्स के साथ जीता है, वो बिलीव्स मुझे अच्छे नहीं लगते। अब चेंज का वक्त आ गया है। इसके बाद पूरी फैमिली डिनर के लिए बैठी।
ऑगस्ट सिडनी को बुलाता है, कहता है फर्स्ट ऑनर तुम करो, तुमने ये डिनर कुक किया है, तो रिस्पेक्टफुली वो उसे खाने के लिए देता है। सिडनी को चुपचाप खाना ही पड़ता है। इसके बाद डिनर टेबल पर ये अपना रिचुअल कंप्लीट करते हैं। इसे इन सब की पावर एलिवेट होगी, चांस इस डिनर टेबल पर नहीं थी। सिडनी उसके पास गया, कहता है आज जो भी होगा ये बहुत ही डेंजरस है, तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था, तो सिडनी कहता है कहीं जाकर तुम छुप जाओ। रिचुअल के बाद भी अगस्त ने अपनी प्लेट में से कुछ भी नहीं खाया। वो ये प्लेट जून को देता है, कहता है मेन कोर्स के लिए मैं अपनी भूख बचा कर रखना चाहता हूँ। जून ने खाने का प्रिटेंड किया पर ये वो निगल नहीं पाई। अगस्त का शक कन्फर्म हो गया। वो जून से कहता है कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। वो कहती है हम सब की हालत बहुत ही खराब है, जिन लोगों का भी हम खून पीते ये कभी भी हेल्दी नहीं होते, हम सही से हर्न भी नहीं कर पाते। उसे इस फैमिली की पूरी पावर चाहिए थी, इसलिए उसने किया था। अगस्त कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, पर तुमसे मैंने ऑलरेडी बदला ले लिया है, मैंने तुम्हारी बेटी के पास किसी को भेजा था। यहाँ पर जिस बेटी की बात हो रही है ये जून की छोटी बेटी है। वो बहुत ही डर जाती है, पूछती है तुमने उसके साथ किया क्या। अगस्त कहता है अभी अभी तुमने जो खाया ये तुम्हारी बेटी का ही फ्लेश था। जून को बहुत ही बड़ा शॉक लगा, पर तभी अगस्त उसे मार डालता है। उसके हस्बैंड को भी उन्होंने मार डाला। इसके बाद ये सब मिलकर जून और उसके हस्बैंड को खा डालते हैं। अगस्त के लोगों ने सिडनी को ले जाकर बांध दिया। वो जहां पर था वहीं पर हम डेकोटा को भी देख सकते हैं। सिडनी पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। डेकोटा कहती है उन लोगों को लगा तुम मुझे लाइक करते हो, इसी वजह से मुझे और मेरी फ्रेंड को उन्होंने किडनैप कर लिया। अब डेकोटा और सिडनी को ऊपर ले जाया जाता है। अगस्त सबसे कहता है कि सिडनी बहुत ही लॉयल है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसने खुद पॉइजन भी खा लिया था। अगस्त को लगता है कि सिडनी फैमिली का एक अच्छा पार्ट बन सकता है। कहता है अब हम देखेंगे सिडनी की लॉयल्टी कब तक टिकी रहेगी। उसने फिर सिडनी के बॉस को भी बुलवाया। अगस्त कहता है अगर तुमने अपने बॉस को मार डाला तुम्हें भी मैं अपने फैमिली में शामिल कर लूंगा। सिडनी करने नहीं वाला था, तो बॉस कहता है इसने तुम्हारा यूज किया है, जिन भी लोगों को तुम मारते थे इनका कॉन्ट्रैक्ट लेता था, सब पैसे वो खुद ले लेता था। सिडनी ये बात सुनकर डिस्टर्ब हो गया। तभी उसके बॉस ने उसे मारने की कोशिश की। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए सिडनी उसे मार डालता है। अब अगस्त इस गेम को चेंज करता है। वो डकोटा से कहता है अगर तुमने चांस को मार डाला तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। चांस उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी, तो उसे ढूंढने के लिए अपने एक असैसिन को उन्होंने भेजा। चांस छुपकर दो नाइव्स उसके आंख में डाल देती है। वो कुछ भी देख नहीं पाती पर फिर भी उसने चांस को पकड़ लिया। घसीटते घसीटते वो ग्रैंडपा के पास उसे लेकर आई। ग्रैंडपा चांस को भी एक प्रीपोजिशन देते हैं, कहते हैं अगर तुमने डेकोटा को मार डाला तुम्हें भी मैं फ्रीडम दे दूंगा। चांस इस पर सोचने लग गई, उसने नाइफ उठाई और डेकोटा को मारने लग गए। इस फाइट में डेकोटा ने चांस को मार डाला। अब मूवी के फर्स्ट में जो कन्वर्सेशन चांस किसी से कर रही थी ये मरने के बाद कर रही थी। ये एक अलग दुनिया में है जो ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं, मिडल में कहीं फ्लोट कर रही है। जिस लड़की से वो बात कर रही थी